गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शेफाली त्यागी हियर एंड दिस इज द वीडियो फॉर सिक्स क्लास। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। आपकी वर्कशीट नंबर 2 चल रही थी और इस वर्कशीट में हमने कल ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या करना है, करेक्ट द रोमन न्यूमरल्स राइट अगेंस्ट द नंबर्स। ये जो आपको रोमन नंबर में आपको लिखा हुआ है, इन नंबर्स को रोमन नंबर में लिखा हुआ है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। आपको इनको सही तरीके से क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से हम नंबर्स को रोमन नंबर में लिखते हैं। 381 को हम किस तरीके से रोमन नंबर में लिखेंगे, आपको इस तरीके से इनको लिखना है। देखिए, जैसे मैं आपको ये ए पार्ट एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। 381, तो 300 को हम कैसे, 100 को हम कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं ना। अब सी को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। जब 300 है तो मैंने 3 बार लिख दिया सी, 100 100 100 300 हो गया। अब बाकी कितना बचा, 81। अब 81 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एल एक्स आपको पता है क्या होता है, एल एक्स की वैल्यू क्या होती है, 60 है ना। अब 60 फिर एक बार और x लिख देंगे, 3 बार हम x को रिपीट कर सकते हैं, है ना, एक बार, और फिर उसके बाद लिख देंगे 1। आई पास मंथ में देखिए कैसे हमें 381 शो करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सी का मतलब क्या होता है, 100 100 100। ठीक है, उसके बाद तो हमें 100 नहीं लिख सकते ना, फिर तो 400 हो जाएगा, तो इसलिए हम 50 लिखेंगे। 50 का क्या होता है सिंबल, x। तो कितना हो गया, 350, और फिर 350 में 10, 360, 370, 380, और ये क्या है, 1। तो ये हो गया आपका 381। इसको हम इस तरीके से सही करके लिखेंगे। इसी तरह आपको ये वाला सही करके लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, इनको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है। कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले तो तीन तीन डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल के थ्रू लिखा भी हुआ है कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, और मैं एक बार और बता देती हूँ, आंसर शीट में मैच मत करना। आंसर शीट में बहुत सारे आंसर्स आपके गलती दिए हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर भी आपका गलती दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझा रखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये वंस वाला कॉलम होता है, ये हमारा 1000 वाला कॉलम होता है, और ये हमारा मिलियन वाला कॉलम होता है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2,975,463। इस तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कन्वर्ट 25 किलोमीटर 356 मीटर 79 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर्स। देखिए, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो इनको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो 25 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 25 लाख होंगे, है ना? तो 25 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 लाख में, तो इतने मिलीमीटर होते हैं हमारे 25 किलोमीटर में। ठीक है, इसी तरह 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 356 मीटर में कितने होंगे, क्या कर देंगे, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 356,000 हमारे क्या हो जाएंगे, मिलीमीटर होते। ठीक है, इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 79 सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 790 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपको 3 मीटर तो आपको दिया ही हुआ है, 3 मिलीमीटर तो आपको दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चारों ही नंबर मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिए, तो अब चारों को ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये किलोमीटर वाला जो हमने मीटर मिलीमीटर में चेंज किया, फिर
ये मीटर वाला जो हमने किलो मिलीमीटर में चेंज किया, एंड ये चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप चारों को ऐड करोगे तो हमारा आएगा, ये नंबर हमारा आएगा इतने मिलीमीटर, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में 1000 और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर उसको हम कन्वर्ट करने के बाद सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर टू में ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।